नमस्कार, एफ एंड जंक्शन में आपका स्वागत है। आज है एफ एंड एक्सपायरी, तो इसलिए हम सीधा एक्सपायरी स्पेशल के साथ आपके सामने उतर रहे हैं। और इस शो में हम हर बार कई महीनों से आपके सामने एक्सपायरी स्पेशल लेके आते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम जो मेहनत करते हैं इस एक्सपायरी के अंदर, जो अलग अलग डाटा अलग अलग एक्सपर्ट से पूछ के आपके लिए पोल बनाते हैं, सारे कॉल्स लेके आते हैं, वो सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे आज भी। और उम्मीद करते हैं कि आपके काफ़ी काफ़ी काम आ रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको सुधार जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसी ये चीज़ भी ऐड की जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप हमें बता सकते हैं। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 120 अंक सुधर कर अभी कामकाज कर रहा है। अच्छी बात है कि 17,500 को बचाने की आज कोशिश है, लेकिन बैंक निफ्टी 40,000 के बार बार ऊपर तो आ रहा है, लेकिन वहीं से फिसल भी रहा है। निफ्टी बैंक में 12 शेयरों में से 8 में शेयरों में अभी भी दबाव है और ये सारे वेटेज वाले शेयर हैं, इसलिए 40,000 के ऊपर आके थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही आम राय है कि जो पुल बैक आएगा उस पर आप ट्रस्ट ना कीजिए, हो सकता है पुल बैक आपको वापस से कमजोरी दिखा दे। मीडिया, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल शेयरों में कमजोरी है। ये कुछ वो सेगमेंट है जहाँ पे रोल ओवर का नंबर्स भी काफ़ी ख़राब आ रहे हैं, और हमने सेक्टोरल रोल ओवर जब निकाला है तो उसके अंदर ये आपको सारे सेगमेंट्स रखे हुए हैं। इंडिया विक्स 15 के नीचे आ गया। अच्छी बात यह है कि कल 11% बढ़ा था, आज 5% टूटा है, लेकिन 5% टूटने पर भी आप मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि तेज़ी एक ड्यू यहाँ पे बची रह जाए। तो ये पांच बड़ी बातों से मोटा मोटी आज क्या हो रहा है मार्केट में, आपने ये देख लिया, समझ लिया। कल हमारे मेहमान थे राहुल शर्मा, उन्होंने कुछ आपको ट्रेड दिए थे, उनको ट्रेड को हमने रिपोर्ट कार्ड में कन्वर्ट कर दिया है, आइए वो देखते हैं। आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को बेचने की उनकी रिकमेंडेशन थी, करीब 2% का गेन आपको वहाँ से आया होगा। साथ ही बजाज फाइनेंस भी उनकी बेचने की रिकमेंडेशन थी। आज सुबह भी हमसे यही बात पूछ रहे थे कि अगर आपको शॉर्ट करने वाला शेयर है आपके पास, तो उन्होंने फिर से बजाज फाइनेंस का नाम लिया, करीब 2% का गेन आपको वैसे मिल चुका होगा। वोल्टास एक सीजनल प्ले भी है और एक स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, इसका डेरिवेटिव डाटा भी काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए वोल्टास उनकी लिस्ट में भी था और 1% तक का गेन आपको वहाँ से भी मिला होगा। आप देखिए, कल बाजार टूट रहा था तो बढ़ने और गिरने दोनों वाले शेयर्स हमारे मेहमानों ने दिए और आपको उसका अच्छा बेनिफिट मिल रहा होगा। कुल मिलाकर शेयर में सेगमेंट में हम जो अपना करते हैं उसमें बामुश्किल से हम 6 या 7 शेयर डिस्कस कर पाते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं हो पाता, लेकिन जो 6-7 शेयर हम डिस्कस करते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड बिना नागा हम आपके सामने रखते हैं, और उसमें 3-4 शेयर, इंडेक्स का व्यू, ऑप्शंस का ट्रेड, सब कुछ हम आपके सामने खंगाल कर लेके आने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स भी काफ़ी मेहनत करके जो आपको ट्रेड देते हैं उसकी एक छोटी सी झलक हम आपके सामने रखते हैं। अब हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आज के मेहमान हमारे जो हैं वो अजीत मिश्रा हैं रैलीगेट सिक्योरिटी से, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद एक पोल बनाया है, इस पोल को आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अजीत सर, एक बार आप भी ज़रा गौर फरमाइएगा इस पोल पर, और फिर क्योंकि आपकी भी रिकमेंडेशन में कोई रिक्वायर्ड होगी इसके अंदर, आप ज़रा बताइएगा। 17,400 से 500 के बीच में सबसे बड़ा दायरा है 40%, उसके बाद 500 से लेकर 600 तक का दायरा है 30%। अगर आप ऊपर का 10% और 600 से 700 वाला दायरे को 20% वाले को हटा भी देंगे तो आपका 70% लोग, मार्केट के 70% पार्टिसिपेशन ये कह रही है कि 17,400 के नीचे शायद हम क्लोज़ नहीं होंगे और 17,600 के ऊपर चांसेस नहीं है कि हम क्लोज हो जाए। तो इस 200 पॉइंट के दायरे में एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी भी शायद इस रेंज को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट ना करवा पाए। अब आते हैं बैंक निफ्टी के पोल पर। अगर आप ऊपर का 20% अगर हटा देंगे तो आप देखें, और लास्ट का 15% वाला हिस्सा भी हटाइए जो कि थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है, तो करीब 65% हिस्सा ये कहता है कि 39,800 से, जो कि आज का मोटा मोटी बेस है, 40,200 तक आप आ सकते हैं। बामुश्किल से 400 पॉइंट की ये रेंज है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट का दायरे के अंदर 65%, 10 में से 6.5 लोग या 100 में से 65 लोगों का मानना है। इसी तरह से निफ्टी पे 70% लोगों का मानना है कि हम कहीं 100 से 125 पॉइंट की रेंज के अंदर ही इस बार एक्सपायर हो जाएंगे, इस सीरीज़ के साथ हो जाएंगे कंप्लीट। एक बार अजीत सर, आपकी रिकमेंडेशन इस पोल के अंदर, आप किस जगह पर हिट कर रहे हैं, आपका क्या इसमें फैसला है, आप किस ब्रैकेट के अंदर हैं, और थोड़ा रणनीति भी बता दीजिएगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी को अगर प्ले करना हो तो फिर कैसे करें। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, पहले तो बात करते हैं कि एक्सपायरी की, क्योंकि आज का सेशन इम्पोर्टेंट है, उसको से कि किस तरीके से हमने देखा है कि इंट्राडे मॉर्निंग में आपने 450 के लेवल्स पे टेस्ट करने के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई, 600 तक आप आए और वहीं पे आप होवर कर रहे हैं।
इंडिकेशन ये डिम्पी कि आप 500 से 600 के बीच में ही एक्सपायरी देखेंगे आज के सेशन की, और बैंकिंग इंडेक्स में मुझे लग रहा है करीब 39,800 से लेकर 40,000 के बीच का वो लेवल होना चाहिए जहां पे कि आप एक्सपायरी देखेंगे। अब अगर पोजीशन में बात करें डिम्पी तो देखिए काफी कुछ चेंज हुआ है कल के सेशन में। अभी तक आप देख रहे थे ट्यूसडे तक की मार्केट में डिक्लाइन था, बट ग्रेजुअल डिक्लाइन था, उस तरीके का कोई डिसाइसिव कैंडल नहीं था। कल के सेशन में एक डिसाइसिव कैंडल फॉर्म हुआ निफ्टी में, बैंकिंग इंडेक्स में। बैंकिंग एनीवेज अंडर परफॉर्म कर रहा था तो वहां तो आपको प्रेशर था ही। आपने 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके नीचे आप स्लिप हुए निफ्टी में। बैंकिंग इंडेक्स में आप उन्हीं लेवल्स के पास ऑलमोस्ट क्लोज हुए। आज थोड़ा रिस्पाइट जरूर दिख रहा है, इट कुड बी ड्यू टू कि थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे शॉर्ट पोजिशंस पे, वो सारे फैक्टर्स, बट टोन नेगेटिव हो गया डिम्पी। अभी तक मैं परसों तक अगर बात बताऊं तो निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स में जो रेशियो चल रहा था वो 30 और 20 का चल रहा था, कि 30 स्टॉक्स अभी भी आपके 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर थे। ये एक इंडिकेटर हम ट्रैक करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में पार्टिसिपेशन किस तरीके का है। कल वो 50-50 पे आ गया है, 25 स्टॉक्स ऊपर 25 स्टॉक्स नीचे। तो सारे ही इंडिकेटर डिम्पी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि नेगेटिविटी जो हमने देखी है अभी ऑफ लेट जो बढ़ी है ये एक्सटेंड करेगी। सेक्टोरल बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आईटी, एफएमसीजी, ऑटो, ये सिलेक्टिवली थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहे हैं, बट बैंकिंग का जिस तरीके से अभी भी रुख बना हुआ है, खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स का, और जो फाइनेंशियल्स में बड़े दूसरे नाम हैं, चाहे वो एसबीआई हो चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, तो वो टोन देखते हुए यही लग रहा है कि नेगेटिविटी कंटिन्यू रहेगी। तो आपको अभी सेल ऑन राइज ढूंढना है मौके, जब तक कि आप 17,700 के नीचे हैं। फॉर द बैंकिंग इंडेक्स वही ये जोन करीब आपका 40,540-40,600 के लिए। ठीक है, मैं आपके बात समझ गया सर। 40,600 के ऊपर आने पर ही आप इसको मानेंगे कि ये सारे बियर्स अब ट्रैप होंगे, और आप कह रहे हैं कि 17,700-800 के ऊपर आने पर ही ये वापस बियर ट्रैपिंग शुरू होगी। टिल डेट तक एक हो सकता है छोटे मोटे पुल बैक आपको आते रहें, और पुल बैक शायद दायरे के भी आते हो दिखे। तो एक का पोल हमारी ये कोशिश है, कई एक्सपर्ट से व्यू पॉइंट लेने के बाद हम जो आपके सामने लेके आते हैं। स्टॉक्स के सिलसिले को अभी शुरू कर रहे हैं हम अजीत सर के साथ, और उनसे जानेंगे। हमने सिर्फ अजीत सर नहीं बल्कि तीन और एक्सपर्ट्स की भी कॉल्स आपके लिए तैयार कर रखे हैं ताकि आपका अगली सीरीज काफ़ी बेहतर हो जाए। लेकिन ठीक उससे पहले मैं अपने सहयोगी प्रकाश को अपने साथ जरूर जोड़ रहा हूँ, क्योंकि शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर डी मर्जर की कुछ खबरें आ रही हैं। ये खबर क्या है, शिपिंग कॉरपोरेशन का क्या होगा, एक बार ये समझ लेते हैं प्रकाश से पहले। प्रकाश जरा बताइए, डी मर्जर प्लान को लेकर क्या खबर है शिपिंग कॉरपोरेशन के? देखिए, शिपिंग कॉरपोरेशन के कोर और नॉर कोर एसेट्स को डिमर्ज करने का एक प्रस्ताव था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने पहले इसको मंजूरी देने का मन बना लिया था, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आई, कुछ जो कंसर्न थे वो रेज किए गए थे स्टेक होल्डर्स की तरफ से। लिहाजा एक रिवाइज डिमर्जर प्लान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास पेंडिंग था। लास्ट मंथ जो है इससे रिलेटेड जो हियरिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी, जो स्टेक होल्डर्स से उनकी राय ले ली गई थी। अब जैसा कि हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कोर और नॉन कोर असेट्स को डिमर्ज करने से संबंधित जो रिवाइज प्लान था उस पर अपनी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डाइवेस्टमेंट का जो प्रोसेस है उसकी अब शुरुआत हो सकती है। जो दिक्कतें आ रही थी उसके रास्ते में अब वो दूर हो गई हैं। अब यहाँ से दीपम का काम जो है वो शुरू होता है कि आखिर विनिवेश की प्रक्रिया को की शुरुआत वो कैसे करते हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो रिवाइज प्लान अप्रूव हुआ है उसके हिसाब से जो नॉन कोर असेट्स है जिसको कि जो जो फॉर्म हैंडल करेगी उसको करीब 1,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे, जो कि जो ओरिजिनल प्लान था उसमें करीब 450 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया था, इस पर कुछ ऐतराज था, लिहाजा अब उस पर 1,000 रुपए ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो औपचारिक मंजूरी अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से मिल गई है। शिपिंग कॉर्पोरेशन के विनिवेश का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि विनिवेश की जो प्रक्रिया है वो वित्त वर्ष 2024 में ही पूरी हो पाएगी। ठीक है, 2024 में पूरी हो जाएगी शिपिंग कॉरपोरेशन का विनिवेश, यानी कि उसका डी मर्जर जो सरकार करना चाहती है उसको लेकर जो एक अकाउंटिंग और एक लीगल वाला पार्ट था या एडजस्टमेंट वाला पार्ट था वो आपको प्रकाश बताते हुए कि काफ़ी हद तक वो सेटल होता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया प्रकाश ये जानकारी देने के लिए। तो शिपिंग कॉरपोरेशन के विनिवेश या डी मर्जर का रास्ता साफ हो चुका है।
आगे बढ़ते हैं, शेयर्स पे आते हैं वापस से। इंडेक्स का व्यू मोटा मोटी आपको मिल गया, पोल के जरिए आपको आइडिया लग गया कि आज की सीरीज कैसी होगी। अजीत सर ने अपना मैंडेट दे दिया इंडेक्स को लेकर, अब स्टॉक्स की बात करेंगे। आज क्योंकि एक्सपायरी से वाले दिन हम खड़े हैं और अगली सीरीज आपके लिए तैयार हो रही है, तो हमने सीधा कई एक्सपर्ट से बातचीत की है। अजीत सर को छोड़ के जो तीन एक्सपर्ट जिनसे हमारी और बातचीत हुई है, उनके पहले ट्रेड आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप उनको नोट कर पाएं। ये सीरीज के खत्म होने और अगली सीरीज में अगर आप रोल ओवर भी करना चाहते हैं तो इन सौदों को आप भली भांति समझ लीजिए, किसमें रोल ओवर की पोजीशंस काफ़ी अच्छी बन सकती है। एक एक करके वो सभी सौदे हम आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। नेक्स्ट सीरीज की कॉल्स एक बार जरा दिखाइए और आपकी स्क्रीन पर आती जाएंगी। सबसे पहले सौरभ से सौदे की कॉल्स आएंगी आपकी स्क्रीन पर और वहाँ पे देखेंगे उन्होंने ITC बाय कॉल्स की रिकमेंडेशन के तौर पर रखा है। वो ये कह रहे हैं कि लक्ष्य आप 400 रुपये तक का रखिए, 385 का ये आपका एक स्टॉप लॉस है। तो ITC आपकी इनकी बाय कॉल में 393 ऑलरेडी वैसे हो चुका है, लेकिन अगर आप थोड़ा और भी इसको बढ़ाना चाहें या स्टॉप लॉस थोड़ा वहीं रख के थोड़ा डिप पे मिल जाए तो फिर आपके लिए कॉल हो सकती है। ये ऊपर ना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रेट डले हुए, इसको जरा एक बार ठीक कर लेंगे। ये ITC के कॉल है और आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, 2420 का टारगेट, ठीक 2420 का टारगेट है और 2380 का एक स्टॉप लॉस है। तो सेकेंड कॉल उनका हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो फर्स्ट इज ITC, सेकंड इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। सौरभ सिसोदिया की ये कॉल्स दोनों के दोनों हमने आपके सामने रख दिए। अच्छे से लेवल नोट कर लीजिएगा, एक डिफेंसिव और एक मार्केट का वेटेज वाला शेयर, दोनों पे बाय दे रहे हैं उस समय। तो अगर आपके पास पोजीशंस खड़ी है तो पॉजिटिव रोल भी करके जा सकते हो। चंदन तापड़िया का एक व्यू पॉइंट दिखाइए, मार्च सीरीज के लिए उनके पास कौन से सौदे हैं। वो भी आके ITC पे रुक रहे हैं, उनका टारगेट 410 का है। तो अभी जो मैं आपसे कह रहा था ना कि अपना टारगेट अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो चंदन ने वो रिवाइज्ड टारगेट आपको दे दिया 410। स्टॉप लॉस आप 383-385 वाली रेंज का या 378 वाली रेंज का, वो डिपेंड करता है आप ट्रेडर कैसे हैं। आप पोजिशनल हो, आप स्विंग हो, आप छोटे से मूव वाले ट्रेडर हो, वो काफ़ी हद तक आपको उससे अपने स्टॉप लॉसेस को एडजस्ट करने चाहिए। 410 आपका टारगेट है। एक शेयर और भी है उनकी लिस्ट में, वह पोली कैप, एक बार जरा वो भी दिखाइए। 3200 का शेयर टारगेट के साथ वो दे रहे हैं, स्टॉप लॉस है 2950 का। तो हमारे दोनों मेहमानों ने जो ट्रेड दिया है ITC में से कॉमन है, और जो 2000-3000 वाले स्टॉक्स में आते हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और पॉलीकैप भी आ रहा है। तो दो बड़े शेयर्स भी हैं और दो एक बिल्कुल आराम से चलने वाला शेयर ITC भी है, एलिफेंट के चाल चलता है बिल्कुल, आपको मालूम ही है। तो एक पॉलीकैप भी है। अब आते हैं राजेश पालविया की तरफ से। देखिए आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने भी ITC ही कॉल दी है, उनका भी पहला ट्रेड ITC ही है, 430 रुपये का टारगेट। एक और बात हमने इस बार के ना ये भी निकाला हुआ है कि इस पूरे सीरीज के अंदर सबसे बेहतरीन शेयर कौन से थे जिन्होंने अच्छा रिटर्न्स दिया है, उसमें से दूसरे या तीसरे नंबर पे ITC का नाम आता है। जितना मेरे को याद है शायद करीब 14-15% का इस मंथ में जिस समय बाजार टूट रहा था ये शेयर चल गया था। ITC राजेश सर की भी लिस्ट में है। दूसरा शेयर इनकी लिस्ट में है सीमेंस का, 3400 रुपये तक का टारगेट है, 3100 का स्टॉप लॉस है। तो तीनों का कॉम्बो आपके स्क्रीन पर हमने रख दिया और तीनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो है ITC। और जो दूसरा कॉमन पॉइंट है कि छोटे मोटे शेयर को हाथ नहीं लगा रहे, ज़्यादातर बड़े और पक्के शेयर जो हैं इकोनॉमी से जुड़े हुए उन्हीं शेयर्स पे वो हाथ रख रहे हैं। और उसमें रिलायंस है, उसमें पॉलीकैब है, उसमें सीमेंस है, जो कि 3000-3000 वाले शेयर्स हैं करीब करीब। हाँ, तो उन सब पे इनकी रिकमेंडेशन है। तो डेरिवेटिव डाटा के हिसाब से, अपने के टेक्निकल के हिसाब से, ये तीन मेहमानों की कॉल्स हमने आपके सामने रखी हैं, अच्छे से आपने नोट कर ली होंगी। अजीत सर आप भी अपनी ट्रेडिंग कॉल्स इसके अंदर ऐड कर दीजिए। डिब्बी देखिए यहाँ पे जिस तरीके के मार्केट सिनेरियो में हम हैं, जब बात कर रहे हैं कि नेगेटिविटी शायद थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, तो यहाँ पे आपको वहाँ पे देखना है जहाँ पे कि आपकी सेफ्टी है। तो शायद इसी के लिए बाकी तीनों लोगों ने भी ITC आपको रिकमेंड किया, जहाँ पे की स्ट्रेंथ है, स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे है। तो वैसे ही डिफेंसिव पैक में से आप डॉक्टर रेडीज को देखिए, तो यहाँ पे आपको एक क्लियर कट ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, जो कि इसके अपर बैंड के पास से ट्रेड कर रहा है। और ऑफ लेट ने काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है अपना 43-50-60 के जोन में। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर रेडीज में लॉन्ग करने के लिए करंट लेवल्स पे। और 43-60 जैसा कि सपोर्ट जोन है वहीं पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 4680-4700 तक के पोजिशनल टारगेट्स आप सब देख सकते हैं। दूसरा डिपी मुझे लगता है कि मार्केट में अगर प्रेशर रहेगा भी तो आपको ITमें उतना ज़्यादा शायद पेन देखने को ना मिले। तो उसमें भी जैसे कि आप मिड कैप ITी काफ़ी देखा था, स्मॉल कैप में से एक FSL अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन करीब
8-9 महीने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक अभी भी अपने ब्रेकआउट के बाद एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिख रही है। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले दिनों में 132 तक के लेवल्स ये आपको टेस्ट करता हुआ नजर आए, 109 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। ओके ठीक है, तो अजीत सर ने अपनी कॉल्स भी यहाँ पे रख दी हैं और उनका भी मानना है कि एक बार डॉक्टर रेड्डीज जो थोड़ा डिफेंसिव शेयर है उसको ध्यान में रखिए। सभी ने ITC पे वोट किया, अजीत जी ने डॉक्टर रेड्डीज पे वोट किया और दूसरा फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के नाम से FSL के नाम से एक शेयर आपको मिल जाएगा जो कि अभी 116 के आसपास चल रहा है, 132 का टारगेट और 109 का स्टॉप लॉस है। सारी की सारी कॉल्स हमने उनकी पिक्चर के साथ आपके सामने छाप दी, आप फोटो खींच लीजिए, नोटिस कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता हो आप रखिए। यूट्यूब पर भी ये शो अवेलेबल है, आप चाहें तो पीछे बैक करके भी इस सारी कॉल्स के ऊपर नोटिस कर सकते हैं। मार्च सीरीज के लिए हमने कॉल्स निकाल के आपके लिए रखी हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमने मार्च सीरीज का ना ये डाटा भी निकाला हुआ कि पिछले 3-4 साल के अंदर टिपिकली मार्च की सीरीज जाती कैसे है। तो 2020 का तो एबनॉर्मल ईयर था, तो वहाँ तो आप जानते हैं क्योंकि कोविड चल रहा था। 2020 के अंदर मार्च में आपने पहली बार देश में लॉकडाउन देखा, 23% टूटा था उस समय पर मंथ के हिसाब से, वो कोविड वाला फेज था, आप देख पा रहे हैं -23%। लेकिन जब 21 आया तो यही मार्च का महीना 1% में रह गया और 22 यानी कि पिछले साल ये करीब 4% का मूव था। आज हम 23 के मार्च के अंदर एंटर कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि अगर 2021 और 22 वाले मूव को क्लब भी कर ले तो उम्मीद तो है कि शायद पॉजिटिव मूवमेंट मिल जाएगा क्योंकि इससे पहले हम काफ़ी टूटे हुए हैं। ये जो फेब सीरीज़ है वो काफ़ी नेगेटिव रही है, हमने फेब सीरीज़ का डाटा भी निकाला हुआ है, एक बार जरा आप वो भी क्लबिंग करके दिखाइए कि पिछले 3 साल की फेब सीरीज़ वो कैसे गई थी। आपकी स्क्रीन पर वो भी आ जाएगा, -6 +6 फिर 3.4 और अभी तक करीब 2.7 से करीब 3% के आसपास का अभी तक का माइनस चल रहा है। तो पिछले 2 साल से बैक टू बैक नेगेटिव है, पिछले 3 बार की एक्सपायरी भी नेगेटिव हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि 3 बार का जो खेल है नेगेटिव होने का वो कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल बैक टू बैक फेब मंथ का माइनस देने के बाद हम जैसे मार्च में 2 साल पॉजिटिव देखा है, ऐसे इस साल भी मार्च का पॉजिटिव देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हाई है। ये हमने मोटा मोटा एनालिसिस करके आपके सामने मंथली बेसिस पर एक्सपायरी का डाटा भी रखा। अब आते हैं एक और पॉइंट पे, अब आज के जो शेयर्स हैं उसको जरा नोटिस करना शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आज आपकी स्क्रीन पे वापस से आ रहे हैं। टाटा केमिकल्स, दो ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे कुछ खरीदारी होती हुई दिख रही है, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है इनमें। अगर आप इनका डेरिवेटिव्स का डाटा भी दिखा पाएँ और मार्च वाला दिखाइएगा अगर दिखा पाएँ तो गेल और टाटा केमिकल्स, क्योंकि फेब का कोई मतलब नहीं रहा। टाटा केमिकल्स और गेल इन दोनों पर एक बार आपके रिकमेंडेशन अजीत सर। देखिए इन दोनों में से अगर कोई चूज करना है तो डेफिनेटली गेन होगा, बिकॉज इस स्टॉक में हम सबको पता है कि तो लो बीटा काउंटर है, जिस तरीके के मार्केट सिनेरियो में है वहाँ पे होना चाहिए। दूसरा इस शेयर के लिए बेनिफिट ये है कि एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है करीब 80 से लेकर 110, तो हाल फिलहाल में इसने अपने लोअर बैंड के पास आया था, करीब 90 के लेवल से रीटेस्ट किए थे और वहाँ से रिकवरी दिख रही है। तो ये कंपैरेटिवली मुझे बेटर कैंडिडेट लग रहा है, मेरे हिसाब से 94 के जब तक ऊपर है तब तक आप उसको टोन पॉजिटिव देखेंगे और ग्रेजुअली दोबारा 110 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। टाटा केमिकल्स मैं अभी थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे और सारी जो क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस प्लेस कर देंगे तो सब के सब वो 1000 के पास जाके रुक जाएंगी, तो वो देखते हुए मेरे हिसाब से ये अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं है, करीब 15 पॉइंट आपके ऊपर है, नीचे पे अभी भी खुला हुआ है, तो इसको आप अवॉइड करें। इनफैक्ट इस रिबाउंड को यूज करें अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजिशन है एग्जिट करने के लिए। ठीक है अजीत सर, अभी आप गेल का टारगेट दे रहे थे 110 के आसपास, स्टॉप लॉस क्या है इसका सर? 94, सॉरी एक बार वापस बताएंगे, 94 ठीक है, 94 का एक स्टॉप लॉस है, 110 का टारगेट है। गेल पे लगाइए मोहर, बाय का ठप्पा और टाटा केमिकल्स को फिलहाल छोड़ दीजिए, थोड़ा और समय लगेगा। हालांकि टाटा केमिकल्स भी बुरा नहीं है क्योंकि जिस तरह का रोल ओवर इसमें मैंने चेक किया थोड़ी देर पहले ही, इसका रोल ठीक है, बट ठीक है थोड़ा समय दे देते हैं। गेल ज़्यादा ठीक है, आज इस पर एक रिपोर्ट भी आई है गेल पे जो ये कह रही है कि भाई ये शेयर और थोड़ा चल सकता है, 110 का टारगेट 94 का स्टॉप। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे सर, एक है ग्लेनमार्क, दूसरा है कफोर्ज, एक बार जरा इनको भी चेक कर लीजिएगा, एक फार्मास्यूटिकल्स है दूसरा आईटी है जो टिपिकली थोड़ा सेगमेंट में पॉजिटिव रोल ओवर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आईटी में जैसा शेयर किया कि हमारा व्यू पॉजिटिव ही है, जस्ट इन केस अगर मार्केट में थोड़ा प्रेशर भी आता है तो मुझे नहीं लगता कि आईटी में उतना ज्यादा आपको चैलेंज देखने को मिलेगा, इनफैक्ट थोड़ा बहुत रेंज बाउंड जरूर हो जाएंगे,
कोफोर्स परसिस्टेंट, ये कुछ एक ऐसे नाम है जिन्होंने मिड कैप आईटी में आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेश बाइंग करना है यहाँ पे, एक्यूमुलेट करना ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने 3-4 दिन में देखे काफी स्ट्रॉन्ग मूव, 3960 से लेकर ऑलमोस्ट 4400 तक ये आ चुका है, तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको डिप मिलता है अगर 4320 4260 के बैंड में, वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इंस्टेड कि आप एक साथ यहाँ करंट लेवल पे बाय करें। ग्लेनमार्क में भी देखिए काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है, बट मेरे हिसाब से ये जोन जो है करीब 470 का वो काफी मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, तो इसमें भी आपको एक डिप पे ही बाइंग के देखने चाहिए, आप करीब 440 के अराउंड मिलता है तो वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, बिकॉज 430 का आपका स्टॉप लॉस बनता है और 470 का टारगेट। 470 का टारगेट, 430 का एक स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है ग्लेनमार्क पे। ऑलरेडी अजीत सर की जो कॉल थी उसमें डॉक्टर रेड्डीज पहले भी शामिल था, और ये बात नहीं भूलनी चाहिए जो मैं आपको सेक्टोरियल रोल ओवर बता रहा हूँ उसमें फार्मास्यूटिकल्स का रोल ओवर काफ़ी अच्छा जा रहा है इस बार, हो सकता अगला सीरीज ये मार्च वाला ये सीरीज फार्मास्यूटिकल्स के लिए काफ़ी अच्छी रहे और ये थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू होता जाए, क्योंकि काफ़ी सिस्टम में शॉर्ट्स हैं अब धीरे धीरे कवर होते आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जिस सर ने ठप्पा लगा दिया ग्लेनमार्क पे भी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपसे ज़्यादा शेयर्स नहीं पूछूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे शेयर्स दर्शकों के पटल पे रख दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि कल जब हम वापस आपको सामने शो लेके आएंगे तो इस शो को वापस एक बार रिकैप भी करेंगे ज़रूर। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज चलते चलते वापस से सारी ट्रेडिंग कॉल्स यानी कि मार्च वाली कॉल्स आप नोटिस कर लीजिएगा, हम आपके सामने पोल भी उतार रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस बार की सीरीज कहाँ पर जा रही है, मेजोरिटी लोग कहाँ पर क्या बोल रहे हैं।